वेलकम फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो क्वेरीज होती हैं अनइवन शोल्डर के लिए, स्कोलियोसिस के लिए। डेली करीब 10 से 20 लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और वो आना चाहते हैं, और कई लोग जानना चाहते हैं कि हम जो नहीं आ सकते कि वो किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके इलाज करने के कई तरीके होते हैं। सिर्फ ये बोल देना कि एक्सरसाइज से आप ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी आपको ये दिक्कत है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी वो टेढ़ी स्पाइन के साथ ही करेंगे, सीधी स्पाइन के साथ तो करेंगे ही नहीं। तो आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपकी स्पाइन टेढ़ी है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी ये स्पाइन टेढ़ी ही रहेगी, उल्टा ज़्यादा इम्पैक्ट की वजह से इस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम वो कोशिश करते हैं जिसकी वजह से ये सीधी हो। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जिनकी स्पाइन में स्कोलियोसिस होता है, जिसकी वजह से शोल्डर छोटे ऊपर नीचे होते हैं, उसका कारण होता है कि कई बार उनके पाँव के एंगल्स भी अंदर या बाहर होते हैं। तो एक वज़न एक टांग पर वज़न ज़्यादा डालते हैं बजाय दूसरी टांग पर। जब एक टांग पर वज़न ज़्यादा डालते हैं तो सोचिए वो कमर और हिप भी ऊपर नीचे रहता है, जिसकी वजह से शोल्डर भी ऊपर नीचे रहते हैं। इसलिए हमें उसको पाँव को भी ठीक करने पड़ते हैं, आर्चेस दे के बैलेंस करने पड़ते हैं और हर 6 महीने में उसको दोबारा बैलेंस करते हैं। हमारे पास मरीज़ 5 से 10 दिन के लिए आता है। जब कोई दूसरे शहर से आता है तो वो 3-4 दिन 5 दिन के लिए आता है जनरली, और शहर से बाहर शहर का ही होता है तो हम उसको 10 दिन के लिए बुलाते हैं। वो 10 दिन बुलाने का भी एक तरीका होता है। और अगर आप नहीं आ सकते और ये वीडियो देख के अपने आप सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो अपने आसपास कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास जाएँ, अपने लिए कस्टमाइज इंसोल बनाएँ और उनके साथ एक्यूपंक्चर कराएं, कपिंग कराएं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो एडजस्टमेंट कराएं, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जिसमें आपकी शोल्डर मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना होता बट एक मीडियम रेंज ऑफ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारे साइड बेंडिंग करनी पड़ती हैं, जिसमें हाथ साइड में चलाना, बेंडिंग करना, ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे स्पाइन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो, एक्सरसाइज करें। इस चीज़ में आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी होती है, वो होता है रनिंग। जब भी आप रनिंग ज़्यादा करेंगे आपके पाँव और ज़्यादा मुड़ेंगे और आपके स्पाइन में और ज़्यादा एंगल बेंड होगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो से कुछ समझ आता है प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर दें। थैंक यू।